एवरीवन, आज जो हम सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, सब्जेक्ट का नाम है ओबी, मीन्स उसको ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर ये बोला जाता है। बिफोर स्टडी दिस सब्जेक्ट, आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा कि हम ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं, राइट? ये सब्जेक्ट का बेनिफिट हमको क्या होगा? तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट हैं वो अगर हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, जैसे MBA वगैरह अगर वो करना चाहते हैं, सो उनको ये सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर में ही आएगा, राइट? तो उससे क्या होगा कि यहाँ पे सबसे पहली बात तो आप बेसिक, आपको यहाँ पे मतलब आपका बेस ये सब्जेक्ट का अच्छा हो जाएगा, और वहाँ पे भी आपको सब एडवांस पार्ट आएंगे, और साथ ही में इसमें से ही कुछ सिलेबस आपको कंटिन्यू होगा। सो ये एक बेनिफिट है जो हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं। दूसरा बेनिफिट ये है कि अगर मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछूं कि आप आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद में आप क्या करोगे, सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यही आंसर देंगे कि वो कहीं ना कहीं पे जॉब ढूंढेंगे, कंपनी में काम करेंगे। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि वो ये सोच रहे कि वो खुद का कंपनी नया स्टार्ट करेंगे, राइट? सो ऑन द बोथ द केसेस, अगर आप खुद का कंपनी ट्राई करना चाहते हो, सो फॉर दैट साइड आप लोगों का मतलब व्हाट आर द थिंग्स यू आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम द वर्कर्स और एम्प्लॉय, और कौन सी चीज़ें आप उनके ऊपर मतलब फोकस करोगे, ये आपको पता चलेगा ये सब्जेक्ट के थ्रू। और इवन अगर आप किसी कंपनी में जॉब करना चाहते हो तो कंपनी आपसे क्या एक्सपेक्ट करती है और आपके कौन से चीज़ों पे उनका ऑब्जर्वेशन होता है, ये चीज़ें आपको इस सब्जेक्ट के थ्रू पता चलेंगे। सो दैट इज दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट दैट इज़ कॉल्ड एज द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। नाउ सबसे पहले हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, जो मैंने आपको बता दिया कि क्या है क्या नहीं, राइट? सो कोर्स डिस्क्रिप्शन हम आज देखेंगे कि क्या है ये कोर्स, में क्या मिलेगा आपको। दिस कोर्स इंक्लूड द बिहेवियर ऑफ अ पीपल, जो भी लोग इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जुड़े हुए, सो दे इंक्लूड द बिहेवियर ऑफ द पीपल इन द वर्क एनवायरमेंट। सो ये जो लाइन है इसको आप अंडरलाइन या फिर हाईलाइट आप सोच के रख सकते हो, लाइक इट इज़ अ वी स्टडी द बिहेवियर ऑफ अ पीपल, बट कहाँ पे, वर्क एनवायरमेंट के ऊपर, ओके? सो स्टूडेंट क्या करेंगे, कोर्स डिस्क्रिप्शन में क्या क्या मिलेगा आपको, स्टूडेंट्स डेवलप द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ इंडिविजुअल बिहेवियर एंड एक्सप्लोर द इशू ऑफ द पर्सनैलिटी, एटीट्यूड्स, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, जॉब सेटिस्फैक्शन, ग्रुप डायनामिक्स एंड द वर्क स्ट्रेस। सो यहाँ पे हम ये सारी चीज़ें अभी डिस्कस नहीं करेंगे, बिकॉज ये सारे क्या है, की टर्म्स है आप बोल सकते हो, और आगे जाके ये एज ए यूनिट करके ये आपको आएंगे, ओके? सो दिस इज द कोर्स डिस्क्रिप्शन, ये आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी इसके अंदर। नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू स्टडी द ह्यूमन बिहेवियर एट अ वर्क, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि सब्जेक्ट का नाम है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। सो दे फोकसिंग कि जो भी लोग है, जितने भी पीपल्स है, सो दे स्टडी देयर बिहेवियर, पीपल्स बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर, बट वेयर, एट अ वर्क लोकेशन, ये याद रखना, ओके? सो टू ऑब्टेन द नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल एंड द ग्रुप परस्पेक्टिव, ओके? देन टू गेट द डेप नॉलेज अबाउट द मोटिवेशन एंड द लीडरशिप थेरीज। सो अगर आप देखोगे ये सारे जितने भी स्टेटमेंट्स है, जितने भी कीवर्ड्स है, जितने भी कंसेप्ट है, ये बिलोंग करते हैं ऑर्गेनाइजेशन से, राइट? सो सारे के सारे कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करते हैं। सो हियर वी सी द कोर्स ऑब्जेक्टिव, ठीक है? नाउ आगे हम देखते हैं कोर्स आउटकम। सो एनालाइज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप इन द ऑर्गेनाइजेशन, क्या आउटकम मिलेगा आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स, सो आउटकम क्या रहेगा इसका। तो सबसे पहले यू कैन एनालाइज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड द ग्रुप इन द ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज क्या होता है कि किसी भी पर्सन को जज करना इतना ईजी नहीं होता। सो आप बोल सकते हो कि यू मे बी प्रिडिक्ट देयर
that person's behavior. Okay, so it may be a approximate behavior हो सकता है, 100% match ही करेगा whatever you are thinking, तो ये possible नहीं है. It is very complicated task. Okay, so understand the basic knowledge of a individual and the group perspective. क्योंकि इंडिविजुअली भी काम होता है ऑर्गेनाइजेशन में, ग्रुप में भी, टीम के साथ में भी काम करते हो. देन अंडरस्टैंड द थियरीज ऑफ मोटिवेशन एंड लीडरशिप, बिकॉज ये काफ़ी ज़रूरी होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. टू अंडरस्टैंड हाउ टू डील विद द वर्क स्ट्रेस, आप सभी को पता है कि कंपनी में बहुत वर्क लोड होता है, वर्क स्ट्रेस होता है, तो उसके साथ में आप कैसे डील करोगे, तो ये आपको पता चलेगा थ्रू दिस सब्जेक्ट. ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द टुडे सेशन.